चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार आदाब, इन्वेस्टिगेशन नीट 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख, आज की ताज़ा और अहम खबरों के साथ जलगांव समाज संवाददाता शोएब रंगरेज की खास रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 6 पर 7/1/2022 शुक्रवार की सुबह एक और सड़क हादसा। जलगांव शहर में लिजाइज पेट्रोल पंप के सामने शुक्रवार की सुबह याकूब शेख 78 वर्षीय व्यक्ति को कार ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें वे बुरी तरह घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जलगांव की सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर लोगों की भीड़ शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही MIDC पुलिस स्टेशन व ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचे। आकाशवाणी चौक से लेकर कलंका माता मंदिर तक हाईवे के दोनों तरफ स्कूल और कॉलेज है, जिससे नागरिकों और स्कूली बच्चों को अपनी अपनी जान हथेली पर लेकर हाईवे पार करते हैं। आप सभी जानते हैं, रास्ते का काम पूरा होने की वजह से छोटी बड़ी गाड़ियां यहां से तेज रफ्तार से गुजरती है। इससे कई बार छोटे बड़े हादसे हुए, जिससे नागरिकों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार नेशनल हाईवे जाम भी किया। इसके बावजूद हाईवे अधिकारी और प्रशासन इस बात को अनदेखा कर रही है। शायद वह किसी बड़े हादसे के इंतज़ार में है। MIM के अध्यक्ष सैयद दानिश, जिया भगवान, बबलू पीरजादे मौजूद थे। देखते इन्वेस्टिगेशन नीट 24। लेकिन प्रशासन ये कह के उसको डाल देता है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में नहीं बैठता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर गाइडलाइन में नहीं बैठता है तो ऐसे ही नेशनल हाईवे जो है, जैसा धुलिया से अगर बॉम्बे आते हैं तो कई गांव मिलते हैं जहां पर स्पीड ब्रेकर है, वहां जिस कानून के तहत उन्होंने स्पीड ब्रेकर डाले हैं उसी कानून के तहत हम भी मांग करते हैं कि हमारे जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर डाले जाए। सिन्हा साहब से मेरी डिमांड है कि सिन्हा साहब इस मामले को जो है तामापुर से लेके कालिका माता मंदिर तक की जो एरिया है, ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है, और इस जोन में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिन्हा साहब जो है NHAI के जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं ना सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बार बार, और कुछ लोगों की जान भी गई है, लेकिन वो इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पहले डिक्लेयर हुआ था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लेकिन अब फ्लाईओवर को भी उन्होंने स्पीड ब्रेकर पर लेकर आए, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ की पब्लिक की सेफ्टी के लिए पहले एश्योरेंस देना चाहिए, उसके बाद अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दिमानी चाहिए। पब्लिक का जो है यहाँ पे बहुत गुस्सा है, खासतौर से NHAI पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। NHAI जो है बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी कर रही है, खासतौर से इस जोन के मामले में, इच्छा देवी से लेके कालिका माता मंदिर तक। इस मामला में यहाँ पे आप देख लो ना, साइड पट्टी बन रही है ढंग से, और ना ही रोड की, जिस तरीके से पॉपुलेशन की डिमांड है, फ्लाईओवर की डिमांड है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ये लोग। मैं MIM महानगर अध्यक्ष होते के नाते ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सिन्हा साहब इस बात का जवाब दे कि वो हमारे साथ पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं। हाय विकी, एक बात बताओ, तुम हमेशा फ्रेश कैसे रहते हो, क्या राज है? अरे सीक्रेट नहीं, ये कमाल है आनंद मुखवास की, जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह। सौंफ, धना दाल, तिल, अजवाइन जैसे नेचुरल चीजों से बना, छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सांस अब आपके पास, आनंद मुखवास के साथ अब 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए और फैमिली पैक में भी उपलब्ध।